बांदा जनपद में शनिवार को दुगन नगर पालिका 6 नगर पंचायतों की मतगणना संपन्न कराई गई, जिसमें 2 सपा, 4 भाजपा, 1 कांग्रेस और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। मतगणना के दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जिला व तहसील प्रशासन का लगातार दौरा लगा रहा और शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराई गई। बता दी कि बांदा नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी मालती वासु, अरतरार नगर पालिका से संगीता निराला, बिंसडा नगर पालिका पंचायत से आशा देवी, मटोंधन नगर पंचायत से सुधीर सिंह तथा द्वारी नगर पंचायत से निर्दल प्रत्याशी सुधा देवी, नरेनी नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी मूलचंद एवं बबेरू नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी सूर्यपाल सिंह यादव ने अपने प्रतिद्वंदियों को हरा कर के जीत हासिल की है और पूरे जनपद में 4 भाजपा प्रत्याशी, 2 सपा प्रत्याशी, 1 कांग्रेस व 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। उधर बबेरू नगर पंचायत के प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी विजयपाल सिंह ने पुनः रिकाउंटिंग कराने की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा पुनः रिकाउंटिंग कराई गई, जिसमें सपा प्रत्याशी सूर्यपाल यादव ने 141 वोटों से भाजपा प्रत्याशी को पराजित कर जीत हासिल की है। मतगणना के दौरान जिला प्रशासन सहित तहसील प्रशासन का दौड़ा लगा रहा और सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा और शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराई गई। फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है, आप जीते हैं, क्या कैसा लग रहा है? देखिए, जीता हूँ तो मुझे वैसे लग रहा है जैसे पहले था। जनता ने मुझे जिताया है, मुझे पुनः उनके बीच में काम करने का मौका मिलेगा, इतनी खुशी है मुझे। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को कहूँगा कि वो बहुत ही बहादुर और निर्भीक हैं, क्योंकि उनकी जो पसंद थी काम करने वाला व्यक्ति, उन्होंने अपना चयन किया। अच्छा, काउंटिंग के बाद भी रिकाउंटिंग कराई गई, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन, पर लोन, ये कौन सा ऐसे लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। NTV Time, जनता की बात, जनता के साथ।